क्या है? आप कहाँ जा रहे हो? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ चले गए सब? अभी तो यही बैठे थे। कहाँ गए? सर, कैसे हो? कहे से सब के सब गायब हो गए? क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? भूत, भूत, क्लासरूम में भूत है। वहाँ कोई है? देवा, आदि, यूटी, ऊपर सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। हे, साइड प्लीज, साइड प्लीज, हट जाओ, मेक अ वे, साइड प्लीज। था, पर मैंने रूफटॉप तक पीछा किया, कोई नहीं मिला। ये क्या बात कर रहे हैं आप? भूत की बात करोगे तो बच्चे भी आप पर हंसेंगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, भूत ही क्लास से अचानक गायब हो सकते हैं। सर, सर, वो देखिए, स्कूल बेल अपने आप बज रही है। स्कूल से भागो, यहाँ भूत है। घर जाओ, सब बच्चे घर जाओ। जब तक ना बुलाए, आना मत। सर, पर अचानक ये छुट्टी क्यों दी? मैंने नहीं शिवा, ये भूत ने छुट्टी दी है। स्कूल में भूत है, मैंने भी अभी अभी देखा है। चलो सब घर जाओ, जल्दी। कैसी लगी मेरी रिमोट ऑपरेटेड चेयर? आपको डर तो नहीं लगा? बॉबी बिल्डर डरता नहीं, डराता है। जैज को देख के किसी को भी लगेगा कि भूत आ गया है। ऐसे ही अगर हम डराते रहे तो बच्चे स्कूल आना छोड़ देंगे और टीचर्स पढ़ाना। एक बार स्कूल खाली हो गया तो फिर मैं वहां पर एक आलीशान रिसोर्ट बनाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल में कौन है जो सबको भूत बनकर डरा रहा है। भूत तो रियल लाइफ में होते ही नहीं है। किसने कहा भूत नहीं होते? मैंने असल में भूत देखा है। एक बार हमारे गांव में कोई भूत आ गया था, जैसा शिवा ने बताया डिट्टो वैसा ही। वो भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करके गायब होकर सबको डरा रहा था। तब मैंने उसको पेड़ से बांधा और इतनी धुलाई की कि वो रोते हुए वापस गया। शिवा, बचाओ, भूत! क्या हुआ फेंकुचंद, निकल गई सारी हेकड़ी? इतनी बहादुरी थी, जब देखो अपने गांव के झूठे किस्से सुनाते रहते हो। अरे यार, तुम लोग तो मजाक भी नहीं करने देते। मैं तो सबको एंटरटेन कर रहा था। अगर मैं बेहोश हो जाता तो? देखो आदि, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तो हमें पता है। और यही बात हमें स्कूल जाकर सबको साबित करके दिखानी होगी। उससे पहले हमें पता करना होगा कि कौन है जो भूत बनकर सबको डरा रहा है। मुझे तो लगता है वो
पुराना एलियन राग मत आलापो। राम, वेदास इंटरनेशनल स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल ने कंप्लेंट की है कि स्कूल में भूत है। भूत, और वो भी मेरे इलाके में। चलो चल के देखते हैं। राम, मुझे तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। आज कल के पढ़े लिखे लोग भी भूत से डर रहे हैं। अरे जब टीचर और प्रिंसिपल ही इतने डरपोक होंगे तो वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? सर, आपको पता है प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ पर है? ये भी कोई पूछने की बात है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। चलो पेड़ाराम, आजकल के जमाने में भी भूत होते हैं। अच्छा किया जो प्रिंसिपल सर स्कूल बंद करके भाग गए। जल्दी मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, भागो भागो। सो फ्रेंड्स, अब हमें अलर्ट रहकर छानबीन करनी होगी। हम चारों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर पता करेंगे। किसी को कुछ भी पता चले तो इमीडिएटली कॉल करके बताओ। ओके? यूरी, शिवा और रेवा तो निकल गए। वो दोनों कुछ ना कुछ तो पता कर ही लेंगे। हम दोनों चुपके से क्लासरूम में जाकर छुप जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, चलो अंदर छुप जाते हैं। चलो चलो। अब हम क्या करें? ये तो सबके सब यहीं आ गए। चुप हो जाओ, टीचर आ रहे हैं। भूत भी पढ़ाई करते हैं क्या? नमस्कार टीचर। नमस्कार, नमस्कार छात्रों, आज आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। ये बताओ, बादशाह अकबर का सबसे खास आदमी कौन था? मैं था सर। बिरबल तुम बैठ जाओ। तुमको तो पता होगा ही कि तुम थे, किसी और को बोलने दो, बीच में मत बोला करो। बादशाह अकबर, इसको मना कीजिए, क्लास में बीच में बोला ना करें। बिरबल, सब जानते हैं तुम मेरे खास आदमी हो, दूसरों को भी बोलने दिया करो। आदि, यह तो अकबर बीरबल का भी भूत है। आज तो दो नए स्टूडेंट्स भी क्लास में आए हैं। नहीं, आज के बाद मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। मैं तो क्लास ही नहीं जाऊंगा। शिवा, भूत है उधर उधर क्लासरूम में। हाँ शिवा, हिस्ट्री की क्लास में बादशाह अकबर बिरबल सब है। स्केलेटन का कॉस्ट्यूम भी उतार दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब कोई भूत भूत नहीं हो। बस मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग सबको डरा क्यों रहे हो। हे बच्चे, भाग जाओ वरना खत्म हो जाओगे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, 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 शिवा।
शिवा, तुमने तो सभी नकली भूतों को डरा के भगा दिया। बॉम्बे बिल्डर डरता नहीं, डराता है। एक बच्चे से पिटकर वापस आ गए, तुम सब खुद ही डर गए तो बाकियों को क्या डराओगे? एक बच्चा मेरा प्लान खराब नहीं कर सकता। फिर से स्कूल जाओ और अब की बार ऐसा कोहराम मचाओ कि कोई भूल से भी स्कूल की तरफ पलटकर देखे तक नहीं। ओके बॉस, आप कहते हैं तो जाते हैं, लेकिन आप भी साथ चलो और खुद अपनी आंखों से उस बच्चे को देखो। डरपोक कहीं के, चलो मैं भी चलता हूँ। बॉबे बिल्डर किसी से डरता नहीं, डराता है। शिवा, क्या तुमको लगता है वो फिर से स्कूल में आएंगे? वो जरूर वापस आएंगे और इस बार ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन इस बार हम उनको डराएंगे। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। कितने सालों से मैं अकेले ही रहकर बोर हो गया था। आज हम पार्टी करेंगे। आप तो मेरे पापा जैसे हो। पापा, पापा, रुको ना पापा। अरे, मैं कोई तुम्हारा पापा वापा नहीं हूँ। तुम्हारा अंकल नहीं हूँ और मेरी भूख मर गई है। बहुत बहुत साइकिल अपने आप चल रही है। असली का भूत आ गया है, भागो। तुम सभी अकल से पैदल हो। जिस तरह हम जैस को रिमोट से चलाकर सबको डराते हैं, उसी तरह कोई साइकिल चलाकर हमें डरा रहा है। हेलो अंकल, बिल्कुल सही पहचाना। न तो आप भूत हो और न ही मैं। लड्डू सिंह जी, जल्दी से स्कूल में आ जाइए। ये सब नकली भूत हैं। ओके शिवा, मैं अभी आता हूँ। पकड़ो इस बच्चे को। बच्चा नहीं कहना अंकल। सिंह के आने से पहले इसे पकड़ के ले चलो, इसे तो हम डरा के भगा देंगे। ये बच्चा बहुत तेज है, इसको सबक सिखाना है तो ये लो। ये सब नकली भूत है। अब नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं।
सरेंडर करोगे? मैं एक बच्चे से हार नहीं मान सकता। अंकल, अब तो बता दो, सबको क्यों डरा रहे थे? मेरा रिसोर्ट बनाने का सपना टूट गया। स्कूल को खरीद के मैं बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाता। अब जेल में चल के रिसोर्ट बनाना जेल में? मेरे इलाके में तो असली भूत आने से डरते हैं और तुम नकली भूत बन के आए हो। अब चलो जेल चलो। वैसे भी मुझे टीवी में इंटरव्यू देने की तैयारी करनी है, क्या समझे? चलो।